हेलो, कैसे हैं सब लोग? सही है, मस्त है। क्लासेस आपकी कंटिन्यूअसली नहीं हो पा रही हैं, तो सॉरी अबाउट दैट। मैं कोशिश करूँगा अब ये ऐसा ना हो। चलिए सल्यूशन। ओके, लेक्चर नंबर सेकेंड था। फर्स्ट तो अपन लोग पढ़ चुके थे, तो आज सेकेंड है। ओके, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कहाँ तक पढ़ लिया था? फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्यूशन क्या होता है पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं ये पढ़ लिया था। और इसके बाद अपन लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के मेथड, मोलैरिटी मोलैलिटी, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे, उसके बाद मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया था, और एट द लास्ट हम लोगों ने वेपर प्रेशर क्या होता था पढ़ा। ओके, तो क्या होता था वेपर प्रेशर एक बार बता दीजिए, सारे लोग रिकैप कराइए। व्हाट इज वेपर प्रेशर? ठीक है, क्या होता था वेपर प्रेशर? तो जब कभी कोई लिक्विड एवोपरेट होता है, याद कीजिए, ऊपर मैंने एक कंटेनर लिया था, कोई एक बेसल लिया था, उसके ऊपर यूं करके प्लेट रख दी थी। तो मैंने कहा था जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा, लिक्विड से जो वेपर फेज की प्रोसेस है और वेपर फेज से जो लिक्विड फेज वाली प्रोसेस है, उन दोनों के बीच जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा, एट दैट टाइम जो कंटेनर की वाल पर प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा बाय द वेपर्स, ठीक है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। इतना हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलिए एक बार और देख लेते हैं कि व्हाट इज सॉल्यूशन। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ओके, वेरी गुड। इसके बाद मोलैरिटी क्या होती थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होती थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये याद रखना था, मोलैलिटी में अपॉन में क्या होता था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता था, ठीक, और वो भी किस में? लीटर में लेना पड़ता था। अगर एमएल में होता था तो हम उसको लीटर में कन्वर्ट करते थे। ओके, एंड सेकेंड वन इज मोलैलिटी। तो मोलैलिटी में न्यूमरेटर में तो वही होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एंड द डिनोमिनेटर इज मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, विच वन इज बेटर यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन? तो मोलैरिटी बेटर यूनिट नहीं हुआ करती थी, मोलैलिटी जो होती थी वो बेटर होती थी। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि मोलैरिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बट मोलैलिटी इज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ओके, ये क्लियर था। क्यों ऐसा होता था ये भी मैंने क्लियर करा दिया था, वेपर प्रेशर क्या होता था बता दिया था। ओके, अब आइए पढ़ते हैं रॉल्ट्स ला। क्या पढ़ते हैं? रॉल्ट्स ला। ओके, तो क्या होता है रॉल्ट्स ला देखेंगे। रॉल्ट्स ला में क्या होता है जरा देखिए अच्छे से। लेट मी से, मैंने एक कंटेनर लिया। ओके, इसमें मैंने क्या किया, एक सॉल्वेंट लिया। मैंने आपसे कहा था 12th लेवल पर, देखिए आपने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखे, लेकिन मोस्टली जो हमें पढ़ना है 99.9%, या मैं यू कह लूँ 99%, ठीक है, मोस्टली हमें जो सॉल्यूशन पढ़ना है उसमें क्या रहेगा, आपका जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड होगा और सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड। ओके, तो मैंने क्या करा, सॉल्वेंट लिया ए। ओके, सॉल्वेंट और सॉल्यूट लिया मैंने यहां पर वी। क्लियर हो गया? तो मैंने यहां पर सॉल्वेंट क्या लिया, ए। ओके, ऑब्वियस ही बात है, अगर मैंने सॉल्वेंट ए लिया है तो उसका कुछ कुछ ग्राम्स लिए होंगे, और साथ ही साथ सॉल्यूट के भी क्या लिए होंगे, कुछ ग्राम्स लिए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैं आपसे अगर यहीं पर कहूं कि बताइए भैया, जब मैंने इसके कुछ ग्राम लिए तो मैं कितना मान लूं? मैंने मान लिया कि डब्ल्यू वी ग्राम लिया, मतलब कुछ भी, डब्ल्यू फॉर वेट और बी फॉर बी का। ओके, डब्ल्यू ए ग्राम इसका लिया, नो डाउट, ठीक। इन चीजों को बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखिएगा, ठीक है, बार बार ये सब आपको बताना ना पड़े, व्हाट इज डब्ल्यू ए, व्हाट इज डब्ल्यू बी। ओके, एंड एम ए इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए सॉल्वेंट का। ओके, और एम ए जो मैंने लिया वो क्या लिया मैंने, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, सॉरी एम बी। ओके,
अभी बताइए, मैं आपसे कहूं कि जरा मुझे बता दीजिए यहीं पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉरी मोल्स ऑफ बी कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर मैं उसको एन बी से रिप्रेजेंट करूंगा, और अगर सर निकालने पड़ जाए तो ग्राम वेट अपॉन सर मॉलिक्यूलर वेट, मैं कहूंगा वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छे, बहुत चालाकी भरा जवाब। एन ए मोल फ्रैक्शन सॉरी मोल्स ऑफ ए कितने हो जाएंगे, तो सर ग्राम वेट अपॉन मोलर मास हो जाता है, तो कितना हो जाएगा यहां पर सर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, कोई डाउट है? हालांकि इसकी उतनी फिलहाल नीड नहीं है, लेकिन मैं एक एक चीज आपको क्लियर करा के चल रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए। ऑलरेडी ऐसा हो जाता है कि आज का लेक्चर हो गया फिर कल शायद ना हो पाए, ठीक है, अब कोशिश करूंगा मैं ऐसा ना हो, लेकिन हो जाता है तो फिर आप एक उस फ्लो में नहीं रह पाते हैं, तो इसलिए मैं सारी चीजें क्लियर करके ही चल रहा हूं। अभी बताओ अगर मुझसे कोई एक बच्चा बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा, तो आप कहेंगे सर देखिए मोल्स ऑफ ए और सर अपॉन टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी। सर ये एन ए प्लस एन बी क्यों किया? अरे मेरे बच्चा जितना एन ए का मोल होगा प्लस एन बी का मोल होगा वही तो टोटल मोल होगा, ठीक है वेरी गुड। मैंने आपसे कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताइए, तो आप कहेंगे सर ये तो फिर बहुत ही आसान है, मैं कहूंगा कैसे आसान है, तो आप कहेंगे सर देखिए ये तो ऐसे आसान है मोल्स ऑफ बी ले लीजिए सर अपॉन सर टोटल मोल्स कर दीजिए सर एन ए कर दीजिए एंड सर एन बी कर दीजिए। बताओ बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एनर्जी लेवल बढ़ा के रखिए, जितना ज्यादा आप पॉजिटिव माइंड से पढ़ेंगे चीजों को उतना ही ज्यादा क्लियर आपकी चीजें होंगी, ओके। इतना तो पहले शुरुआत का काम है, अब पढ़ते हैं कि रॉल्ट्स लॉ है क्या, ठीक है। रॉल्ट्स ने यह कहा कि अगर आप किसी सॉल्यूशन के अंदर, अब लेट मी से ये सॉल्यूशन है तो इसमें कितने कंपोनेंट हैं, दो आपके कंपोनेंट है ए है और बी है। रॉल्ट्स ने यह कहा अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं क्या करना, पार्शियल प्रेशर या आप वेपर प्रेशर भी बोल सकते हो, कोई ऐसा खास इशू नहीं है यहां पर, अगर आप चाहते हैं बी का प्रेशर इस सॉल्यूशन में कितना होगा, पहले मुझे एक बात बताओ ए एक सॉल्वेंट है ये पहले क्लियर करो, ठीक है। अगर ए लिक्विड है तो उसका तो प्रेशर होगा, और अगर बी लिक्विड है तो उसका भी प्रेशर होगा। लेट मी से अगर बी लिक्विड नहीं है, चूंकि मैंने आपसे कहा ट्वेल्थ में मोस्टली कौन सा सॉल्यूशन पढ़ेंगे जिसमें आपका सॉल्वेंट लिक्विड होगा और सॉल्यूट कौन होगा सॉलिड, ठीक है। लेट मी से हम जर्नल पढ़ लेते हैं, हम ये मानते हैं कि ए भी लिक्विड और ये भी लिक्विड है, हमने मान लिया। तो बताओ मुझे ए का अपना प्योर फॉर्म में जब ए बी के साथ मिक्स नहीं हुआ होगा तो उसका भी तो अपना कुछ प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा, ऐसे बी का भी होगा। अब लेट मी से इन दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों को मिक्स करने के बाद कुछ प्रेशर चेंज कर जाएंगे, बताइए मुझे क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, पहले मुझे इतना बताओ क्या ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा होगा। ऐसा सर क्यों ऐसा होगा? भाई तू सोच के देख ना, पेट्रोल है तो पेट्रोल तू जानता है कि पेट्रोल भैया जो होता है वो क्या करता है, पानी से ज्यादा उड़नशील, ज्यादा वोलेटाइल है, उड़नशील होता है वोलेटाइल। आंसर व्हाट इज उड़नशील, व्हाट इज वोलेटाइल, मतलब आप समझिए ना, ऐसी चीजें जिनको जैसे आप शुगर ले लीजिए, शुगर नॉन वोलेटाइल है। आप आज 1 kg शुगर लेके रख दीजिएगा, एक कटोरी में रख दीजिए, किसी बैसल में, ओपन बैसल में रख दीजिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कभी? 4 दिन बाद आप देखें जाके तो आपको 1 kg की जगह 950 kg मिले, सॉरी 950 ग्राम मिले, ऐसा पॉसिबल है 1 kg की जगह? नहीं हो सकता ना। लेकिन अगर आप एक कटोरी में या किसी भी ओपन बैसल में आप पेट्रोल भर के रख दें तो क्या आपको लगता है वो आफ्टर सम आवर्स वो आपको ऐसा मिलेगा कि जितनी पेट्रोल थी उतनी मिलेगी? उड़ जाती है ना, वोलेटाइल होती है, ठीक। तो अलग अलग लिक्विड्स की वोलेटिलिटी अलग अलग होती है, कुछ कम उड़ते हैं कुछ ज्यादा उड़ते हैं। तो अगर आप सोच के बताओ जब मैं इन दोनों को मिला दूंगा, लेट मी से आपने क्या करा, आपने पानी था ठीक है आपका, उसमें आपने शुगर मिला दी, तो क्या होगा सोच के बताइए। जैसे मैं अगर शुगर मैं देखता हूं, आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। जैसे वाटर है, वाटर अगर वेपराइज हो रहा है, एवोपरेट हो रहा है, तो यूं करके उसकी जो वेपर्स होंगी वो ऊपर जा रही होंगी। आपने कभी ऐसा किया है मेरे भाई? जरा बताओ मुझे, बताओ आपने ऐसा देखा है कभी? जब आप चाय बनाते हैं, जब आप क्या बनाते हैं, चाय बनाते हैं घर में, तो एक बार ऐसा होता है ना, चाय बॉयल होके जो लिक्विड होता है वो ऊपर आ रहा होता है, फिर आप अचानक क्या करते हैं, उसमें क्या डाल देते हैं, ऊपर से आपने शुगर डाली या आपने चाय की पत्ती उसमें डाल दी, तो क्या होता है बताइए मुझे? अचानक जो आपका बॉइल होके जो आपका लिक्विड है ऊपर आ रहा है वो तुरंत यूं करके नीचे बैठ जाता है, ऐसा होता है? एक्चुअल में क्या होता है कि उसका वेपर प्रेशर उस टाइम के लिए कम हो जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि भैया शुगर तो सॉलिड है, तो वो क्या करती है, ढेर सारी वेपर्स को अपने साथ दबा के नीचे लिए जाती है, ओके। तो अभी
ए का प्योर फॉर्म में कुछ और होगा, बी का भी अपना कुछ वेपर प्रेशर होगा, लेकिन मिलने के बाद आफ्टर मिक्सिंग इनके वेपर प्रेशर चेंज करेंगे। तो रॉल्ट्स ने क्या कहा कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ठीक, या उसको पार्शियल प्रेशर भी बोल देते हैं वहां पर जब अंदर जाके, अभी तो वेपर प्रेशर इसका प्योर फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है, और जब मिक्स कर देते हैं तो उसको पार्शियल प्रेशर भी बोल देते हैं, तो उससे ज्यादा घबराना नहीं है आपको। तो लेट मी से आपको किसका पार्शियल प्रेशर निकालना है, जैसे ए का ही निकालना है इन सॉल्यूशन, नॉट इन प्योर फॉर्म, इन सॉल्यूशन। एनर्जी लेवल अच्छा रखिए। ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है किसमें, प्योर फॉर्म में नहीं, वो तो कुछ मालूम ही होगा, वो तो कुछ शुरुआत में होगा ही, लेकिन अगर मुझे सॉल्यूशन में निकालना है तो मैंने लेट मी से कितना आएगा वो, तो रॉल्ट्स ने बताया देखिए जो ए का पार्शियल प्रेशर होगा इन सॉल्यूशन वो कितना होगा, पी नॉट ए। व्हाट इज पी नॉट ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म, इसका प्योर फॉर्म में जो प्रेशर होगा या वेपर प्रेशर बोल सकते हो आप उसको, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ओके, एज इट इज आप चाहते हैं पार्शियल प्रेशर बी का निकालना, तो बी का प्योर फॉर्म में गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये बात किसने कही, रॉल्ट्स ने। उन्होंने क्या कहा, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, ओके, देन इट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। ओके, तो डेफिनेशन रॉल्ट्स ला की एग्जैक्ट जो है वो नीचे चल रही है, आप उससे नोट कीजिएगा। लेकिन अभी समझने वाली बात क्या है कि अगर आप सॉल्यूशन के अंदर किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, प्योर फॉर्म में उस कंपोनेंट का प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोगों ने 11th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, एक ला पढ़ा था जो किसने दिया था, डाल्टन अंकल ने, अकॉर्डिंग टू डाल्टन। ओके, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स ला ऑफ पार्शियल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखिए डाल्टन ने क्या कहा था, समझिएगा, अगर आपने नहीं भी कभी पढ़ा है, आप उसको नहीं तुरंत क्लिक कर पा रहे हैं तो बहुत आसान है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, उसको हवा ना बनाए आप, सर कैसे होगा ये नई चीज, ठीक है। डाल्टन ने क्या कहा, अगर आप किसी कंटेनर के अंदर, ठीक है, लेट मी से आपने थ्री गैसेस भर दी, ए बी एंड सी, आप ज्यादा भी भर सकते हो, दो भी भर सकते हो, ठीक है, इन दो गैसेस को आपने, इन तीन गैसेस को आपने क्या करा, इस कंटेनर के अंदर फिल कर दिया। तो डाल्टन ने क्या कहा, पहले तो शर्त डाल्टन की ये थी, भैया ये गैसेस आपस में कैसी हो, नॉन रिएक्टिंग, मतलब ऐसा ना हो आपने कंटेनर में भरी और ये आपस में रिएक्ट कर गई, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, ये गैसेस आपस में कैसी होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग, आपस में रिएक्शन ना करें, ठीक। तो डाल्टन ने क्या कहा, सॉरी, अगर आप टू या मोर देन टू गैसेस अगर आप किसी कंपोनेंट में, सॉरी किसी बेसल के अंदर फिल कर देते हैं, तो उन्होंने कहा इस पूरे कंटेनर का जो प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर, उन्होंने कहा कितना होगा, ए का प्रेशर प्लस बी का प्लस सी का। ओके, कोई डाउट नहीं, दोबारा समझिए, आप तो घबराते बहुत जल्दी हैं। डाल्टन ने क्या कहा, अगर आप किसी एक कंटेनर के अंदर मोर देन वन, ओके, टू थ्री फोर कितनी भी गैसेस भर दें, बस शर्त ये थी कि वो आपस में कैसी होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग, अगर वो नॉन रिएक्टिंग है तो जो सॉल्यूशन जो इस मिक्सर के अंदर ए का प्रेशर हो उसको निकाल लो, बी का हो उसको निकाल लो, सी का हो उसका निकाल लो, तीनों को ऐड करो, वो इस टोटल कंटेनर में जो प्रेशर होगा उसके बराबर ही आएगा। क्लियर हो गया, तो अभी मुझे बताओ, इतना इतना तो आपने नोट कर लिया होगा, एक बार देख लीजिएगा। आप एक काम किया करिए हमेशा, देखिए कुछ ऐसा होता है मेरे पास इतनी जगह नहीं रहती है, मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक, आप नोटबुक मैंने आपको बोला है ना लेके रखिए मेरे साथ, मैंने इतना लिख दिया,
ठीक। अब आप वीडियो देखते जाइए, लेक्चर देखते जाइए, समझते जाइए और अपनी कॉपी पर इसको नोट करते जाइए। मैं इतना मिटाए दे रहा हूं लेकिन आपकी नोटबुक पर इतना लिखा हो ताकि आप यहीं से आगे समझना उसको कंटिन्यू कर पाए। कहीं ऐसा ना आपने लिखा ही नहीं, आप हमेशा स्क्रीन शॉट के चक्कर में रह रहे हैं। बेटा स्क्रीन शॉट आप बाद में भी ले सकते हैं, कोशिश कीजिएगा आपके पेन से जितना निकलेगा आप उतना ही दिमाग में जाएगा आपके। तो बताइए अकॉर्डिंग टू डाल्टन क्या था। ठीक, तो अगर मैं इस कंटेनर के अंदर ठीक इन सॉल्यूशंस का टोटल प्रेशर देखूं, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो कितना हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। बोलो बच्चा, पी ए प्लस पी बी। ओके बहुत अच्छी बात, वाह वाह। अब क्या करेंगे बताओ, पीए कितना है, पीए तो है पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, प्लस पी बी कितना है, P not B into mole fraction of B, that is the total pressure of the solution। भाई साहब बिल्कुल क्लियर, आपको रटवा याद होना चाहिए। याद होने का मतलब मेरा कभी ये नहीं आपसे होता है कि आप इसको रट डालें, मेरे कहने का मतलब हमेशा ये होता है कि आप इसको इतने मन से पढ़ें और बार बार इसका रिवीजन करें ताकि आपको ये रट ही जाए। ओके चल भाई जल्दी से नोट कर, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये सर कहां से आ गया, पी एस इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। सर ये तो डाल्टन अंकल ने बता दिया था हमको, उन्होंने ये बताया था कि अगर किसी कंटेनर के अंदर हम नॉन रिएक्टिंग गैसेस भर दें तो उन सबके अलग अलग पार्शियल प्रेशर को एड कीजिए, टोटल कंटेनर का प्रेशर निकल आएगा। सर यहां भी सर इस कंटेनर में सर दो चीजें भरी हुई है, ए और बी। सर मैंने ए का पार्शियल प्रेशर निकाल लिया, सर मैंने बी का भी निकाल लिया, तो सर अकॉर्डिंग टू डाल्टन अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो टोटल कंटेनर का सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर आ जाएगा। इसके बाद सर हमने पीएस बराबर लिख दिया, पीए की वैल्यू यहां रख दी, पी नॉट ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ प्लस पी नॉट बी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बोलिए हां कि ना, समझ में आया इतना, ओके गुड वेरी गुड। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक। तो बच्चा मेरे साथ एक बार बताओ, मेरे साथ एक बार बोलो भी बताओ, रॉल्ट्स लॉ क्या था। सर रॉल्ट्स लॉ कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अगर सर हमने दो कंपोनेंट लेके अगर सर सॉल्यूशन बनाया है, ठीक सर, फिलहाल हमने सर ये भी माना है कि जरूरी नहीं है सर आपका जो सॉल्यूट है वो सर सॉलिड ही हो, हमने उसको लिक्विड ही मान लिया है, ठीक है, या सर हम उसको गैस भी मान ले कोई दिक्कत नहीं, हम जर्नल उसको फिलहाल मान रहे हैं। तो हमने सर ये कहा कि अगर After mixing these two component, ठीक, जब हम लोगों ने सोल्यूशन बना लिया तो सर रॉल्ट्स ने ये कहा था, अगर आप सर चाहते हो, अगर आप चाहते हो ए का सर प्रेशर इन द सोल्यूशन, तो सर रॉल्ट्स ने ये कहा कि ए का प्योर फॉर्म में प्रेशर ले इनटू इस सोल्यूशन के अंदर उसका कितना मोल फ्रैक्शन है सर वो ले लो। अगर सर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ बी चाहते हैं इन द सोल्यूशन, तो सर रॉल्ट्स ने ये कहा था इसका प्योर फॉर्म में जो प्रेशर गिवन है वो ले लो और इनटू सर सोल्यूशन में जो सर इसका मोल फ्रैक्शन है सर वो ले लो। फिर सर अकॉर्डिंग टू डाल्टन अंकल, डाल्टन ने ये कहा था अगर आप इस पूरे कंटेनर का सॉल्यूशन का या पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर चाहते हैं तो सर कितना हो जाएगा, सर पी ए सर प्लस पी बी हो जाएगा। सर फिर हम लोगों ने सर पी ए और पी बी की वैल्यू रख दी सर, तो पी नॉट ए आया। बेटा जैसे मैं बोल रहा हूं आप लोग भी बोलो, नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। कुछ लोग ऐसे ही हैं सिर्फ रामायण सी सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं वो, ठीक है मैं आपके सामने नहीं हूं, ठीक है, वैसे तो सामने ही हूं मानो, ठीक सर हम मानते तो किसी का ही नहीं, आपकी क्यों मान ले, ठीक बेटा ना मानो, जो लोग मान रहे हैं वो बोले मेरे साथ। ओके इतना आपको समझ में आ गया, पी एस इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इतना समझ में आ गया हो तो मैं इसको फिर इरेज कर रहा हूं, अपनी नोटबुक पर लिखते चलिए, आप अपनी नोटबुक पर लिखते चलिए, कोई भी चीज आपकी छूटनी नहीं चाहिए मेरे बच्चा। ओके चलो बहुत अच्छा है, ठीक वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं बनाए रख रहा हूं फिलहाल, ठीक आफ्टर सम टाइम मैं इसको हटा दूंगा। जरा मुझे एक बात बताओ, पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर कितना आ गया, पी नॉट ए आया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आया, पी नॉट बी आया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आया, इतना आया या नहीं पहले मुझे इतना बताओ, क्लियर है। अब अगर मैं ऐसा मान लूं थोड़ी देर के लिए, आगे हम इसको एक नई चीज के तौर पर पढ़ेंगे, ठीक है, एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फिलहाल उससे हमें कोई मतलब नहीं है, व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोई मतलब नहीं, क्या ये बकवास है, फिलहाल तो हम यहीं रह रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसा मान लूं, इफ
बी इज नॉन वोलाटाइल। ओके, अबे वोलाटाइल समझते हो ना, ऐसा टाइल जो बोलता हो। नहीं, वोलाटाइल का मतलब होता है ऐसा केमिकल सब्सटेंस कोई आपका जो आप ऐसे ही खुला छोड़ दें जो उड़ता हो, ठीक है, और नॉन वोलाटाइल जो उड़नशील ना हो, ठीक है। तो अगर मैं ये मान लूं कि इफ पी इज नॉन वोलाटाइल, तो मुझे बताओ जो मैं आगे लिख रहा हूं क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या पी नॉट बी बराबर जीरो होगा? अब सर ये सर कैसे, सर आप तो रटते हैं, आप यहां लिखने लगते हैं पी नॉट बी सर जीरो होगा, सर हमें कैसे मालूम? अरे मेरे भाई, जब ये नॉन वोलाटाइल है इसका मतलब उड़नशील नहीं है, और उड़नशील है ही नहीं तो उसका क्या प्रेशर होगा? भाई साहब, लिक्विड और गैस का ही प्रेशर डिफाइन होता है, किसी सॉलिड का प्रेशर थोड़ो ना यहाँ पर होगा, ठीक है। बताओ आप इस किसी सॉलिड को इस कंटेनर के अंदर रख दोगे, वो गैस की बाल्स पे प्रेशर लगाएगा? वो कहाँ प्रेशर लगाएगा, ठीक है। लिक्विड इसलिए लगाता है क्योंकि वक्त के साथ एवोपरेट होता रहता है, तो जब वेपर फॉर्म में जाता है तो वो वेपर्स इस कंटेनर की वाल्स बाल के ऊपर प्रेशर लगाती है, तो मैं बोलता हूं कि लिक्विड का वेपर प्रेशर डिफाइन है, ठीक है। अब सॉलिड थोड़ा ना मैं अगर 1 केजी का इसमें कोई सॉलिड थिंग रख दूं इसमें, तो क्या वो जरूरी ऐसा होगा कि आपको लगता है कि वो जाके इसकी बॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाएगा? बताइए मुझे, नहीं लगाएगा ना। तो अब अगर मैं ये मान लूं कि P इज नॉन वोलाटाइल, देन उसका प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा? जीरो। सर प्योर फॉर्म में ही जीरो होगा, सर वैसे जीरो नहीं होगा। बेटा वैसे कैसे जीरो हो जाएगा, तो मुझे एक बात जरा सोच के बता। अगर तूने सुगर वाटर में ऐड करी तो पहले तो सुगर नहीं उड़ती थी, ठीक है। अब वो क्या हुआ, जैसे ही वो वाटर में गई तो वो किस लिक्विड फेज में नहीं हो जाती है, फिर तो आपको अलग से कहीं उसके क्रिस्टल्स नजर आते हैं सुगर के। यार आई होप आप बहुत समझदार हो। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो इफ बी इज नॉन वोलाटाइल देन पी नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, देन वी पुट पी नॉट बी इक्वल्स टू जीरो इन दिस इक्वेशन। वाह सर वाह, बहुत अंग्रेजी बोल ले। तो कितना हो गया बताओ मुझे, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस जीरो इन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो खत्म ही हो गया। तो पी एस इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे भाई, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एंड वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू 1। देन बताओ अपन लोग क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बताइए। ओके, तो देन पी एस इक्वल्स टू बताओ मुझे कितना हो गया, पी नॉट ए इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसका अंदर मल्टीप्लाई उचका दो, कितना हो गया पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बोलिए, का डाउट है किसी को? ठीक है, इसको इधर उचका दो, इसको इधर, किसको किधर सर, इसको इधर और इसको इधर। ओके, तो बताओ कितना हो गया, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी एस। ओके, देन व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। ठीक, ये क्या आया, क्यों आया, ठीक, फिलहाल इसकी चर्चा आप नहीं करेंगे, फिलहाल इसका इतना आप समझेंगे कि अगर मैं ऐसा मान लूं तो ऐसा हो सकता है। ठीक, व्हाट इज दिस, लेटर ऑन हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। ठीक, ढेर सारे न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर बेस्ड होंगे, वो भी आप लगाएंगे, ठीक है, मजा भी आपको आएगा। कैसी बातें कर रहे हैं सर, पढ़ाई में और मजा। नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी नोट कर लो। मैं नोट करने को बोलता हूं तो आप फिर मेरे साथ भी थोड़ा बहुत नोट करते रहा करिए, ठीक है। वैसे ही मैं बहुत बहुत आराम आराम पढ़ाता हूं। कर लिया ना, गुड। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, तो आप समझदार हैं, रॉल्ट्सला का. ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉल्ट्सला. रॉल्ट्सला को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. ओके, कैसे करेंगे समझते हैं. तो पहले इक्वेशन लिख लेंगे. रॉल्ट्सला की क्या इक्वेशन थी, पी एस टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इक्वल्स टू ए का और बी का. वो अलग बात है कि हम ए और पी ए और पी बी की वैल्यू यहां रख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. क्लियर, इतना क्लियर है सबको. यही है आपकी रॉल्ट्स लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन. ठीक, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा समझिएगा. इसको समझने के लिए ना आपको कुछ बातें मान के चलनी होंगी. क्या मान के चलनी होंगी वो देखिए. कुछ तो बातें आप जानते हो, y इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ आप जानते हैं क्या, नहीं जानते तो पुराना लेक्चर देखिए. ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन एंड ग्राफ्स में मैंने ये सिखाया हुआ है. कुछ यूं रहता है आपका y इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ. क्लियर है, यूं ही करके तो रहता है. तो अभी मुझे बताइए, मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं y इक्वल्स टू एम एक्स से. जैसे आप यहां पर देखिए जरा अच्छे से, पी ए बराबर कितना है मेरे भाई, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. ओके, तो इसको आप y मानिए, ये तो कांस्टेंट होगा भाई. क्यों कांस्टेंट होगा सर ये, अरे शुरुआत में किसी का प्योर फॉर्म में जितना होगा, अलग अलग लिक्विड का अलग अलग होगा ना. तो जैसे वाटर है तो उसका तो कुछ और होता होगा, तो वो कांस्टेंट है. ठीक है, मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट नहीं होंगे. वो क्यों नहीं सर कांस्टेंट होंगे, सर वो क्यों नहीं कांस्टेंट होंगे. ठीक, तो y इक्वल्स टू इसको आप x मान लीजिए, ये सर कांस्टेंट क्यों नहीं होंगे. ठीक है मेरे भाई, आप जरा सोच के बताओ ना, अगर मैंने वाटर लिया सॉल्वेंट, ठीक है, और सुगर मैंने एज अ सॉल्यूट ले ली. अब मैं सुगर पहले तो जब बताओ, जब कुछ भी नहीं था, ठीक है, सिर्फ सिर्फ वाटर ही था, तो क्या होगा, जब वाटर ही था तो पूरा का पूरा पार्ट किसने घेर रखा था सॉल्यूशन का, पहली बात तो तब वो सॉल्यूशन ही नहीं था. लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मान ले, तो पूरा का पूरा पार्ट किसका था, पूरी की पूरी रंगबाजी किसकी थी, वाटर की. लेकिन जैसे जैसे मैंने सुगर डालना शुरू किया, थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी, थोड़ी थोड़ी रंगबाजी सुगर की बढ़ने लगी. सुगर भी कहने लगा आप तो मैं भी सॉल्यूशन में हूं. ठीक, और आप बढ़ाते ही गए सुगर, बढ़ाते ही गए सुगर, बढ़ाते ही गए सुगर, बढ़ाते ही गए सुगर. तो क्या सुगर के मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे इन द सॉल्यूशन, क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि सुगर आप बढ़ा रहे हो तो उसका ग्राम वेट बढ़ रहा है, और जब उसका ग्राम वेट बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, मोल्स बढ़ रहे हैं, और मोल बढ़ेंगे तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा. तो सॉल्यूशन के अंदर सुगर की भी रंगबाजी बढ़ेगी, उसके भी मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं. ठीक है, गुड. तो अब जरा इसको थोड़ा समझने के लिए देखिए, थोड़ा केमिस्ट्री वाइज है, इसको देखिए उतना यहां भी हुआ नहीं, आप परेशान हो जाए, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है. और आप जैसे लोग हों फिर तो बहुत आसान है. देखिए मैंने क्या करा, इस जगह पर मैंने माना यहां पर आपका जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है वो कितना है, 1, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है, वो 0 है. क्लियर, और यहां मैं मान रहा हूं जब मैं इधर बढ़ रहा हूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए घटते घटते 0 हो गया, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 1. क्लियर, मतलब समझिए मैं ऐसा मान रहा हूं कि जब मैं यहां था तो पूरा का पूरा वाटर ही था, मान लो मैंने सुगर मिलाई ही नहीं थी. क्लियर, अब मैंने क्या करा, जरूरी नहीं वो सुगर ही हो, कोई दूसरा लिक्विड भी हो सकता है, जरूरी नहीं सॉलिड ही हो. ठीक है, आप कुछ और भी मान लें, लेकिन फिलहाल ये मैंने माना कि मैंने सॉल्यूट मिलाया ही नहीं, तो पूरा का पूरा सॉल्वेंट ही तो है. अब जैसे जैसे मैं देख सॉल्यूट बढ़ाता जा रहा हूं, तो पहले तुम लोग एक बात समझो कि तुम्हें ये लगेगा सर सॉल्यूट के बढ़ाने से क्या सर लिक्विड सर ये वाला जो सॉल्वेंट होगा खत्म हो जाएगा. सर आपने देखो 0 कर दिया, खत्म नहीं होगा, लेकिन एक रिस्पेक्टिव टर्म तो है कि मैं कह सकता हूं. जैसे आप सोचो, जैसे जब आप पानी में चीनी मिलाना शुरू करते हो, ठीक है,
तो वो लिक्विड होता है, लेकिन आप शुगर बढ़ाते ही जाओ 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 बढ़ाते ही जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको पूरा का पूरा जो वाटर होगा वो आपको ऐसा लगेगा सॉलिड बन गया, इतनी उसमें चीनी हो जाएगी। तो क्या उस चीनी के अंदर, उस शुगर के अंदर क्या वाटर है? नहीं, वाटर है, लेकिन रिस्पेक्टिव टर्मिनोलॉजी तो ये कहती है कि अब तो हमें दिख ही नहीं रहा वाटर कहां है, ठीक। तो बहुत कम उसके मोल फ्रैक्शन होंगे, तो मैं उसको निग्लेक्ट कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि भैया है ही नहीं एक तरीके से, ठीक। तो यहां भी मैं वही कर रहा हूं, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में ही ग्राफ बन रहा है। अच्छा, दूसरी बात, मैंने दो कंपोनेंट मिलाए, ए मिलाया और बी मिलाया, तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि ए जो हो, कौन ए, ए कैसा हो, बी से ज्यादा वोलेटाइल हो, तो उसका शुरुआत में जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होगा, जैसे मैंने मान लो पेट्रोल मिलाई और मान लो पानी मिलाया, ठीक, तो मैंने ए को माना पेट्रोल और बी को मान लिया आपका पानी, ठीक, ओके। तो मुझे बताओ जो ए का पार्शियल प्रेशर होगा शुरुआत में, सॉरी वेपर प्रेशर, ए का वेपर प्रेशर जो होगा प्योर फॉर्म में पेट्रोल का, ठीक, आपने पेट्रोल वाटर, तो पेट्रोल का वोलेटिलिटी ज्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो शुरुआत में मैंने ये मान लिया अपनी तरफ से, मैं ये मान के चल रहा हूं कि P not A is greater than P not B, मैं ये मान के चल रहा हूं कि A is more volatile than B, ओके। अब मुझे बताओ जब यहां पर एक्स भी जीरो है तो ये तो जीरो हो गया, तो कितना बचा, P not A into mole fraction of A ही तो बचा, और mole fraction of A कितना है, 1, तो कितना बचा P not A, माना इतना है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो एक समय ऐसा आएगा ना, एक समय कैसा आएगा, जब तू बता, जब यहां होगा, जब यहां हो तो सिर्फ और सिर्फ कौन है, ए ही तो है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो ए घटता जा रहा है, घटते घटते कितना हो जाएगा, ए का कंपोनेंट, ए कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है धीरे धीरे घटते ही जा रहा है, एक समय कितना, यहां पर उसका ये मान लेंगे कि देखो जीरो हो गया। अभी मैं पूरा ग्राफ बना रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा, आप तो डरो ही नहीं। और यहां देखो, ठीक, जरा समझो आप, ये जो इक्वेशन है ना आपकी, ये वाला जो ग्राफ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पी ए, पी ए बराबर किसके है, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। जरा इसको देखो आप, बताओ अकॉर्डिंग टू ग्राफ यहां पर क्या लग रहा है कि जो आपका पीए है वो जीरो हो गया। देखो यहां पर पीए कितना है, यहां पर पीए देखो कितना है, यहां पर ग्राफ को टच करो ना, भूल गए, यहां पर ग्राफ को टच करो, इतना आ रहा है, और यहां पर एक्स से कितना है, 1, तो ये कितना है यहां पर पी नॉट ए शुरुआत में, भाई शुरुआत में पी नॉट ए होगा भी तो शुरुआत में कुछ है ही नहीं उसके अलावा, तो सिर्फ उसी का तो प्रेशर है। और जब आप इधर बढ़ते चले आओगे तो ये क्या है, ये क्या है, ये यहां पर है पी नॉट बी, बोलिए, और ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है भैया आपका पी बी का, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। चाहो तो इस ग्राफ को देख के देख लो, जब बताओ यहां हो तो बी बिल्कुल भी है तो बी का पार्शियल प्रेशर की बात भी नहीं कर पाओगे, और जीरो है, और देखो है भी यहां जीरो क्योंकि यहां पर एक्स भी जीरो है, लेकिन यहां पर सिर्फ बी है, तो देखो बी ही तो है यहां पर। अब आप जरा इस ग्राफ को और अच्छे से पढ़ो, और अच्छे से देखो, जैसे जैसे आप इधर बढ़ रहे हो वैसे वैसे देखो पीए का पार्टिसिपेशन कम होता जा रहा है, इसका पार्शियल प्रेशर कम होता जा रहा है, इसका बढ़ता जा रहा है, देख रहे हो ना। तो ये जो ग्राफ है ना, ये वाले ग्राफ, ये किसके, ये वाला ग्राफ किसका है, पी बी का, ओके, ये वाला ग्राफ किसका है, पी ए का। बोलिए क्या ये सोल्यूशन का ग्राफ है, नहीं, क्या ये सोल्यूशन का है, नहीं, सोल्यूशन का ग्राफ कौन सा है, तो सोल्यूशन का तो ग्राफ ये है जो एक्चुअल ग्राफ, देखिए, ओके, ये किसका ग्राफ होगा, सोल्यूशन का, पी एस इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, ओके। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, रॉल्ट्स लॉ का, नोट कीजिए जल्दी से, समझ में आ रहा है सबको, ऐसा माना जाता है, ठीक है, जिसे आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, पीबी इक्वल्स टू एनआरटी, पी बी इक्वल्स टू एनआरटी,
वेयर पी इज द प्रेशर ऑफ द गैस, बी इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस या कंटेनर जिसमें गैस रखी गई है, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, आर गैस कॉन्स्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, ऐसा बोला जाता है कि जो जो गैसेस, जितनी भी गैसेस इस गैस इक्वेशन को फॉलो करती है उन गैसेस को बोलते हैं आइडियल गैस। ठीक, वैसे ही जितने भी आपके सॉल्यूशन हैं वो अगर रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं तो उनको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पर, तो फिलहाल इसको जल्दी से आप क्या कीजिए नोट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और कहां आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे देखते हैं। किसी स्पेशल किसी कॉन्सेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कोई चीज मिस कर रही है, आप बार बार वीडियो को बैक करके देख रहे हैं फिर भी वो चीज क्लिक नहीं कर रही है आपको, ठीक है, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिए दे रहा हूं, एक बार जरा देख लीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप से वो कॉन्सेप्ट भेज सकते हैं, सर इसमें प्रॉब्लम है, मैं आपकी वहां पर हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है, 9580171952। ओके, नोट कर लीजिए इसको, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या किसी न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उस न्यूमेरिकल की आप पिक्चर क्लिक करके मेरे पास भेज सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे, कहां पर आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे। ओके, तो देखते हैं कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। तो जो सॉल्यूशन रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे किसी भी कंसंट्रेशन पर, उनकी कंसंट्रेशन चाहे कुछ भी हो, उनकी कंसंट्रेशन चाहे कुछ भी हो, ओके, तो क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो कैसे सॉल्यूशन रहेगा आपका, एक तो होता है आपका आइडियल सॉल्यूशन। कैसा आइडियल, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो रॉल्ट्स लॉ को किसी भी कंसंट्रेशन पर फॉलो करें, ठीक है, फॉलो करेगा क्या मतलब सर, ये भी थोड़ा समझाइए, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक, फॉलो करेगा, हम कैसे जानेंगे क्या फॉलो कर रहा है, चलिए चलिए आपको समझाते हैं वो भी। और दूसरा कौन सा रहेगा आपका, नॉन आइडियल। ओके, चलिए समझते हैं, अभी बताइए मुझे रॉल्ट्स लॉ था क्या, तो रॉल्ट्स लॉ तो आपका था पी एस इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, ये दिख रहा है ना आपको पी ए प्लस पी बी, हाँ गुड गुड, आपको दिख रहा है, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है आपको, पी ए प्लस पी बी। ओके, अभी आप जानते थे पी ए की वैल्यू कितनी होती थी, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ओके, अब अगर मैं एग्जैक्ट पी ए निकालूं, ठीक, कैलकुलेशन करके जो आपको न्यूमेरिकल में गिवन होंगी, तब जो पी ए आए और एक्सपेरिमेंटली जो पी ए आए वो दोनों अगर सेम है तो फिर मैं कहूंगा वो सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल। ओके, तो क्या होता है, व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे, ठीक, तो क्या करें, ओबे रॉल्ट्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब किसी भी कंसंट्रेशन पर जो किसे फॉलो करें, रॉल्ट्स लॉ को, मतलब अगर मैं पी ए निकालूं तो वो एग्जैक्ट पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के बराबर ही आए, अगर मैं पी बी निकालूं एक्सपेरिमेंटली निकालूं मतलब प्रैक्टिकल करके निकालूं और थ्योरेटिकली निकालूं तब भी वो कितना आए, ये इसके बराबर आए। ठीक है, लेकिन
नॉन आइडियल, डू नॉट ओबे रॉल्ट्स लॉ, जो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो ना करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप पी ए निकालेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, पी नॉट ए इंटू मूल फ्रैक्शन ऑफ बी के, लेकिन नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होगा। पी नॉट बी आप निकालें तो किसके बराबर आना चाहिए, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। ओके अब देखिए नॉन आइडियल सोल्यूशन आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है आपका कैसा, पॉजिटिव डेविएटेड सोल्यूशन, और एक होता है निगेटिव डेविएटेड सोल्यूशन। ओके अब समझते हैं नॉन आइडियल में पॉजिटिव क्या है और निगेटिव क्या है। आइडियल तो आप समझ ही गए, तो पहले इतना नोट कीजिए जल्दी से। जल्दी से नोट कीजिएगा, अगर आप नोट करने में थोड़ा बहुत पीछे भी रह जाते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डेफिनेशंस, ठीक है, टाइप्स, सब कुछ आपका लिख के आता रहता है स्क्रीन पे। देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएटेड क्या होंगे, पहले पॉजिटिव समझते हैं। बहुत मन से पढ़िएगा, यहां आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। चलिए देखिए कंटेनर लिया एक, और इसमें मैंने क्या डाल दिया, वाटर ले लिया इसे। क्या है इसमें, ओके इसमें मैंने क्या डाल दिया है, ये क्या है, वाटर है। ओके अब मैंने क्या करा, इसमें जो आपने सॉल्यूट ऐड किया बी, वो मैंने डाल दिया अल्कोहल। ओके एंड वी नो दैट, क्या आप जानते हैं अल्कोहल जो होता है आपका वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, बताइए मुझे, हो जाता है ना, अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। ये थ्योरेटिकली तो हमें नहीं मालूम है कि ऐसा हो जाता होगा, चलो ठीक है, आज तो अल्कोहल वाटर ये नॉर्मल लाइफ में हमने देखा हुआ है, ठीक है, मूवीज में भी देखा हुआ है, ठीक है, हम लोग अल्कोहल का नहीं यूज करते हैं, लेकिन देखा तो है ही हम लोगों ने कि अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, चलिए ठीक है, इतनी सही बात है। लेकिन मुझे एक बात बताइए जरा कि थ्योरेटिकली हम कैसे जानेंगे भी, ये तो हमें मालूम है ना ऐसा। तो कुछ फंडे हैं जिन्हें आपको याद रखना है, बहुत बार यूज होंगे ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम में, ठीक, ढेर सारे कॉन्सेप्ट चलेंगे, सुनिएगा। ये मैंने माना ए है आपका सॉल्वेंट, समझिए भाई अच्छे से, और यूं करके ये बी मैंने क्या माना, सॉल्यूट। अकॉर्डिंग टू नाइन्थ क्लास फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ था पहले ही चैप्टर में कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या सीखी थी, इन पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या ये बात सारे लोग मानते हैं, इतना पहले मुझे बताइए फिर मैं आगे बढ़ूं। क्या मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स, बिल्कुल सही बात है, हमें मालूम है। क्या इन पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या नहीं, बिल्कुल होता है। ठीक, जैसे लेट मी से मैं लेता हूं, मैंने शुगर ले ली, ओके तो शुगर जब मैंने ली तो आप मुझे बताइए, याद कीजिएगा शुगर का मॉलिक्यूलर वेट 342, तो अगर मैं 342 ग्राम ले लूं अगर उसके, तो कितना मोल होगा, 1 मोल, और 1 मोल में शुगर चूंकि मॉलिक्यूल है तो कितने मॉलिक्यूल होंगे, एन ए मॉलिक्यूल। क्या उन मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा,
बिल्कुल होगा, और यहाँ तो बहुत ज्यादा होगा क्योंकि शुगर सॉलिड है। अब कोई लिक्विड होता है तो वहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, लेकिन वहां थोड़े कम होते हैं वाली पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। एज इट इज गैसेस में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम होते हैं। तो अभी मुझे एक बात बताइए, क्या जो ए आपका सॉल्वेंट है, क्या ए के पार्टिकल्स के बीच जो ए ए ए ए ए ऐसे ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, क्या उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? बिल्कुल होगा। क्या ए और ए एक दूसरे को छोड़ना, अबे ये ए की ही ए थोड़ा ना लिखा होगा, कुछ तो ग्राम्स इसके लिए होंगे, समझ रहे ना, मोल इसीलिए पढ़ाया था। ऐसी बी, तो क्या बी के भी जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? बिल्कुल होगा। और अगर ऐसा होता है, कैसा? ऐसा जो मैं लिख रहा हूं, इफ बी इज डिजॉल्व इन ए, अगर बी किसमें घुल जाता है? ए में, ठीक। अगर ऐसा होता है तो ऐसा कब हो सकता है वो समझिएगा। पहले मुझे बताइए, क्या ए, ये बॉन्ड नहीं बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये ए सिंगल बॉन्ड ए नहीं बना हुआ है, ये मैं ये दिखा रहा हूं ए और ए के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, क्या इसके बीच बताइए मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे? बिल्कुल होंगे, नो डाउट सर। बताइए क्या बी और बी के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होंगे? बिल्कुल होंगे। क्लियर? और अगर ऐसा हो रहा है, अगर बी ए में घुल जा रहा है, तो क्या आप मानते हो ए और बी के बीच भी बढ़िया प्यार है? तभी तो एक दूसरे में घुल मिल रहे हैं, वरना कौन सा किसी को पागलपंथी सवार है इन दोनों के बीच दुश्मनी और आपस में एक दूसरे से प्यार करेंगे, कभी पॉसिबल है? अगर ए और बी का आपस में प्रेम है, इसका मतलब है कि ए और बी के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो समझिएगा, तो मैं कैसा कह सकता हूं, ऐसा कब होगा? ए और बी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक, इज ग्रेटर देन ए, ए के बीच जो अट्रैक्शन हो, एंड बी और बी के बीच जो अट्रैक्शन हो। समझिएगा, अगर बी जो है वो ए में घुल रहा है, अगर ए आपका किसमें घुल जा रहा है? बी में, इसका मतलब क्या होगा कि जो ए और ए के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो और बी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, इनसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए ए और बी के बीच। अगर बी ए में नहीं घुल रहा है, तो जो ए और ए के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, बी और बी के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, तब वो ज्यादा होंगे किससे? ए और बी के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये बात समझिए, और इसको आप कभी देख के नहीं जान सकते हो, ठीक। अगर आपको ऐसा मालूम है, ढेर सारी बार जब आप पढ़ेंगे इन चीजों को, ढेर सारे एग्जांपल्स देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। ये तो खैर डेली रूटीन लोगों की लाइफ में होता है, आपकी नहीं होता है, लेकिन आपने इसको ऑब्जर्व जरूर किया होगा, आपने इन चीजों को देखा जरूर होगा। तो आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई, एल्कोहल वाटर में घुल जाता है, एल्कोहल वाटर में डिजोल्व हो जाता है बिकॉज ऑफ, तो आप कहेंगे सर देखिए, एल्कोहल और वाटर के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, वो सर वाटर पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एल्कोहल पार्टिकल्स बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनसे ज्यादा होता होगा, तभी ऐसा हो जाता है। क्लियर है? अगर मैं मानूं कि अगर मैं ये देखूं कि बी अगर ए में नहीं डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? ए के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और बी के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों के जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो ज्यादा होंगे किससे? ए और बी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। पहले इतना बात समझिए अच्छे से, आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। नोट कीजिए उस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है वो बात, आगे आपके काम आने वाली है। हो गया नोट? चलिए अब मुझे एक बात बताइए कि हमें ये मालूम है एल्कोहल वाटर में डिसॉल्व हो जाता है,
अल्कोहल वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, ओके। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, ये तो हमें मालूम है ना, जर्नल हमने देखा हुआ है, लेकिन हमें एक चीज और मालूम है भाई साहब, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ओके। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, तो कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो शायद इस चीज को भूल गए हो, ठीक। तो मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा हूं, रेजोनेंस पे पहुंच गया हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पहुंच जाऊंगा, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। जिन बच्चों को मालूम है वो तो खैर पढ़ ही सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं भी मालूम है तो मैं उनको बस थोड़ी सी हिंट ये कर दे रहा हूं, बस मुझे इतना बता दो, क्या अल्कोहल पार्टिकल, अल्कोहल के जो पार्टिकल्स हैं या वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स हैं, क्या उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, होता है, ठीक। बस जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहां एक एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है, बस आप इतना इतना पहले समझिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है फिलहाल तो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है, बस इतना जरूर समझा दे रहा हूं कि जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उस मॉलिक्यूल्स के बीच जो मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, ओके। कहां कहां होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आप जाइए, अभी तो खैर वो क्लास नहीं हो पाई है, मैं बहुत जल्दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे आऊंगा और आपको पढ़ा दूंगा। अब जरा मुझे बताइए, एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट मींस वाटर वाटर पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, जो हम लोग नाइन्थ क्लास से पढ़े हैं, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, वो तो है ही, ओके, तभी तो ये लिक्विड है। अरे गैस भी हो तब भी तो होगा, हाँ ठीक है, लिक्विड्स में ज्यादा होते हैं, क्या यहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। उसके बाद भी वाटर में अल्कोहल डिजोल्व हो जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बताइए, अगर ये उसके बाद भी इसमें डिजोल्व हो रहा है तब तो भाई आपको ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड ना टूटे तो इनके बीच खुद के ही बीच H2O ढेर सारे हैं, उनके बीच इतना खतरनाक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि ये अल्कोहल को अपने अंदर घुसने ही नहीं देगा, वो कहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे और अल्कोहल का भी तोड़ना पड़ेगा, ठीक। और बॉन्ड्स तोड़ने पड़ते हैं तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, दैट मींस जब आप यहां बॉन्ड्स तोड़ेंगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी अगर आप देते हैं सिस्टम को तो बताइए डेल्टा एच का साइन कैसा आता है? डेल्टा एच का साइन कैसा आता है? पॉजिटिव। कैसा आता है? पॉजिटिव। पहले इतना बताइए मुझे, इतनी बात क्लियर है सबको? इतनी बात क्लियर है सबको? दोबारा से आपको समझ नहीं आया, ठीक। चलिए सब कुछ मिटा दीजिए, मैं नहीं मिटा रहा हूं, आप फिलहाल जो आपकी कंफ्यूजन है उनको हटा दीजिए, समझिए। क्या वाटर के अंदर अल्कोहल घुल जाता है? बिल्कुल सर, हमें ये मालूम है घुल जाता है, ठीक है। फिर सर अभी आपने एक चीज और पढ़ाई, अगर वाटर में अल्कोहल घुल रहा है इसका मतलब सर ये है कि अल्कोहल और वाटर के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो सर वाटर वाटर और अल्कोहल अल्कोहल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनसे ज्यादा होंगे, यस सर, ठीक। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, देखिए सोल्यूशन है पॉजिटिव डेविएटेड, ये कैसे है? अगर अल्कोहल वाटर में घुला है तो घुलने के लिए क्या होना चाहिए कि ये इसके साथ अगर घुले मिले, इसमें डिजॉल्व हो तो इसके अंदर घुसे, इसके बीच जो गैप्स हैं उसमें जाए, लेकिन वो गैप प्रोवाइड ही नहीं हो पा रहे होंगे क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसका मतलब है अगर ये घुल गया है तो वो गैप प्रोवाइड कराए होंगे वाटर ने, और वो कराने के लिए क्या किया गया होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़नी पड़ी होगी क्योंकि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको तोड़नी पड़ेगी तो बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। बॉन्ड तोड़ते हैं तो एनर्जी देते हैं, और एनर्जी देते हैं तो डेल्टा एच का साइन कैसा आता है? पॉजिटिव। इसके और भी एग्जाम्पल होते हैं पॉजिटिव डेविएटेड के, स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं। दूसरा मुझे बताइए, अगर आपने बॉन्ड्स तोड़े इफ बॉन्ड्स ब्रेक, अगर आपने बॉन्ड्स ब्रेक किए तो बताइए क्या होगा? इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, क्या वो डिक्रीज करेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल डिक्रीज करेगा। और बताइए अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो क्या पार्टिकल्स के बीच जो डिस्टेंस होगी, ठीक, वो बढ़ेगी?
बताइए, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, चाहे एल्कोहल एल्कोहल के पार्टिकल्स हो या वाटर वाटर के पार्टिकल्स हो, ठीक, इनके गैप, इनके बीच गैप बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, और ऐसा होगा, ऐसा होगा तो देन वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस, वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ा लेट मी से आपने 1 लीटर अल्कोहल मिलाया और 1 लीटर वाटर मिलाया, मिलने के बाद क्या हुआ, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटे तो क्या हुआ, पार्टिकल्स के बीच गैप बढ़ गया, ठीक, गैप बढ़ा, देख रहे हैं ना, गैप बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा, ओवरऑल मिलके कितना होना चाहिए, 1 लीटर 1 लीटर 2 लीटर, लेकिन ये ग्रेटर देन 2 लीटर मिलेगा, ज्यादा मिलेगा तो डेल्टा बी जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव। ये बात समझ में आ रही है, बढ़ेगा ना भाई, होता कितना चाहिए था, 1 लीटर 2 लीटर। अब आप नहीं जान रहे हो कि अगर पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। पहले ध्यान लो, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अबे मैं वॉल्यूम बढ़ेगा बोल रहा हूं, ठीक, वाटर बढ़ जाएगा ये नहीं बोल रहा हूं, वाटर कैसे बढ़ जाएगा, फिर तो ठीक है एल्कोहल मिलाते जाओ, ठीक है एक बाल्टी का एक ड्रम वाटर बना लो, वो मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इतनी बड़ी शीशी में कार्बन डाइऑक्साइड भर लें या कोई सी भी गैस भर लें तो वो इतनी बड़ी बोतल में है, ठीक है, शीशी अपना वो देहाती शब्द निकल गया, कई लोग जानते भी होंगे, तो अगर मैं इतनी बड़ी बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड या कोई सी भी गैस भर लूं, उसके बाद बताओ मैं उसको रिलीज कर दूं, ओपन कर दूं, तो क्या पूरे कमरे में नहीं फैल जाएगी, तो क्या गैस के पार्टिकल्स थोड़ा ना बढ़ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस थोड़ा ना बढ़ गए, गैस तो उतनी ही रही लेकिन उसका वॉल्यूम बढ़ गया, वो पूरे कमरे में बिखर गई क्योंकि पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस बढ़ गई। तो यहां भी वाटर और एल्कोहल के पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो एल्कोहल बढ़ नहीं जाएगा ना वाटर बढ़ जाएगा, लेकिन जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, वो इंक्रीज किया तो होना कितना चाहिए था, 1 लीटर और 1 लीटर 2 लीटर, अब वो ग्रेटर देन 2 लीटर मिलेगा, तो अगर एग्जैक्ट 2 मिलता तो मैं डेल्टा भी लिखता 0, जितना होना चाहिए था उतना है तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, लेकिन यहां तो चेंज हो गया क्योंकि 1 लीटर 1 लीटर मिला के 2 होना चाहिए था, 2 से ज्यादा है तो डेल्टा वी का साइन कैसा, पॉजिटिव। इतना बताइए मुझे, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक, ये आपके नोट्स हैं प्रॉपर, आप इनको नोट्स बना सकते हैं, बाद बाकी जो आपको बिल्कुल अच्छे से मेंशन करके नोट्स बनाने, इनको तो आप मेरे साथ नोट बना के चलिए, लेकिन जो आपको प्रॉपर आपके नोट्स बनाने जिनका रिवीजन करना है, ठीक है, वो आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं, उनको आप बनाते जाइए साथ साथ, और ये वो चीज़ें हैं जो आपको केमिस्ट्री में दूर तक लेके जाएंगी, जिनको आपको याद रखना है। चलिए इतना हो गया, ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। अब बताइए मुझे, क्या इतना समझ में आया कि डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव और डेल्टा बी का साइन पॉजिटिव, इसीलिए इसको बोल देते हैं पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन। ओके, दूसरा देखिएगा। अच्छा, आप कहेंगे सर तो पॉजिटिव साइन आ गया तो पॉजिटिव बोल देते हैं, नहीं, उसका और भी रीजन है कि जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आएगा, कंपोनेंट ए का, वो एग्जैक्ट कितना आना चाहिए था, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, लेकिन वो उससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा भी, क्यों आएगा, क्योंकि देखो ना इनके बीच का गैप बढ़ रहा है, पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, ठीक, डिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगी, ऐसा कहाँ होता है, गैस में गैस का प्रेशर ज्यादा होता है, तो जो एग्जैक्ट प्रेशर आना चाहिए उससे ज्यादा आएगा। एक चीज और देखते हैं यहां पर, एंट्रोपी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, कैपिटल एस, एस एस एस, ओके। अब एंट्रोपी क्या होती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अब रैंडमनेस क्या होती है, जानते हो ना, तितर बितर कोई चीजें कोई भी सिस्टम में ना हो, ठीक है, जैसे मैं अगर ऐसे कर दूं, देखो जरा आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये मैंने एक सिस्टम में अरेंज किया है इन पॉइंट्स को, अभी मैं 16 पॉइंट मेरे पास मान लो और हैं, अब मैं इनको यूं अरेंज कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ठीक है, तो एंट्रोपी कहाँ ज्यादा होगी, एंट्रोपी यहां ज्यादा है क्योंकि यहां पर तितर बितर ज्यादा है चीजें, यहां पर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है तो यहां एंट्रोपी कम है। अब आप मुझे बताइए,
एल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। आफ्टर मिक्सिंग ओके क्या हुआ, आफ्टर मिक्सिंग क्या हुआ, इनका हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा। हाइड्रोजन बॉन्ड जब इनका ब्रेक हुआ टूटा तो क्या हुआ बताइए मुझे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटे तो पार्टिकल्स कहां चले गए, दूर दूर। तो बताइए रैंडमनेस बड़ी होगी या घटी होगी, बड़ी होगी। ओके तो यहां डेल्टा एफ का साइन भी कैसा होता है, पॉजिटिव। ओके तो ये तो हो गया आपका पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन। ओके अब आते हैं निगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन के ऊपर। अच्छा आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे, नॉन आइडियल जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। नॉन आइडियल में दो टाइप के केसेस रहेंगे आपके, कौन कौन से, एक पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक, और भी पॉजिटिव होंगे उनका भी एक्सप्लेनेशन ऐसे ही दिया जाएगा, ठीक है। ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपके चार्ट में आ रहे थे, आपने उनको नोट करना है। ओके अब आते हैं किस पे, निगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन पर। किस पर आते हैं, निगेटिव। तो निगेटिव में अब आप समझ ही रहे होंगे, निगेटिव में क्या क्या होगा मेरे भाई, अभी आप पॉजिटिव में समझ गए थे। तो निगेटिव में क्या होगा, डेल्टा एच का साइन कैसा होगा, निगेटिव। टेंशन नहीं लो, भी समझा रहा हूं। डेल्टा बी का साइन कैसा होगा, निगेटिव, एंड डेल्टा एच का साइन कैसा होगा, निगेटिव। ओके सॉरी इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं, ठीक है, CHCl3 इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। और साथ में किसको मिक्स कर दूं, CH3COCH3 एसीटोन को, तो ये मिलके आपको देते हैं कैसा सॉल्यूशन, नेगेटिव। अब सर ये नेगेटिव क्यों देते हैं तो समझिए, इसको समझना बहुत आसान है। बस मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्जाम्पल्स जो आपके पास हैं चार्ट में उनको जरूर आप याद कर लें, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कोई वन और टू एग्जाम्पल दो नेगेटिव के या पॉजिटिव के, या ऑप्शंस में रहता है, लिखे रहते हैं, ठीक है। जो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वहाँ लिखा रहता है, ठीक है, 3 सॉल्यूशन लिखे हैं, लिखा हुआ है विच वन इज पॉजिटिव डेविएटेड, तो फिर आपको एग्जाम्पल्स तो याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। हर बार आप ऐसे देख के बता पाएंगे, लेकिन आपको उनको एक बार याद करना बहुत जरूरी है। जब आप एक बार याद कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे, अच्छा हाँ यहाँ ऐसा हो तो रहा है तो ये पॉजिटिव है, यहाँ ऐसा हो रहा है तो निगेटिव है। लेकिन आप एक बार उनको देखिए, तो जितने भी चार्ट में एग्जांपल्स आ रहे हैं उन सबको देखिए आप। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने नंबर आपको दिया हुआ है, आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट वन, इसी में सॉरी हाँ इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। CCl3 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एसिड होगा, अरे भाई CCl4 होता था भाई, CCl4 ही तो, एक H लगा है वहां पर, और साथ में ये क्या है CO, ठीक, CH3 होता क्या जब आप इन दोनों को मिक्स कराते हैं, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन पास पास आता है, तो ये दोनों लोग क्या कर बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए अगर 11th के कुछ बच्चे देख रहे हैं इसको आगे की प्रिपरेशन के लिए, तो पहले वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बार पढ़ ले, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, टेंशनाइज ना हो। यहां पर देखें सर, यहां तक तो सब समझ में आ रहा था, अब आपने सर ये बात बोल दी तो ये सर दिमाग से ऊपर ही निकल गई। बेटा 2 या 3 दिन बाद आपका केमिकल बॉन्डिंग का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले टॉपिक पर हम लोग पहुंच जाएंगे, तो आपको ये क्लियर समझ में आएगा ऐसा कैसे हो जाता है। ओके तो ये क्या हुआ, ये लोग क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब बताइए मुझे, अगर इन लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए होंगे तो बताइए बॉन्ड ब्रेक हुआ या बना, बॉन्ड तो बना। अगर बॉन्ड बनता है तो सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, एनर्जी कम कब जब रिलीज हुई। अब बताइए अगर बॉन्ड्स बने तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़े, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़े तो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कम हुई, डिस्टेंस कम हुई तो वॉल्यूम कम हुआ। तो अगर आपने इनको 1 लीटर लिया, ठीक, तो फाइनली आपको कितना मिलेगा, 2 से कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़े, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़े तो आप जानते हो पार्टिकल्स पास पास आए तो दूर इधर उधर जाने की प्रोबेबिलिटी कम हुई, तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस डिक्रीज हुई, तो डेल्टा एस का साइन भी कैसा आ गया, नेगेटिव। तो ये तो थे बच्चा आपके पॉजिटिव निगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन। ओके
यहां तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ठीक है, तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर जरूर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज की क्लास में यहीं पर खत्म कर रहा हूं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, व्हाट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक, कौन कौन सी होती हैं, ठीक, उनको सबको एक एक करके खत्म करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद एंड टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए एनर्जी लेवल के साथ।